मैं और जिया भी ट्रेनिंग के लिए फॉरेन गए थे, फ्यूचर बनाने के लिए हमें। जिटा, प्यार एक जादू की तरह होता है। मैं प्यार में अमीर नहीं हूं, जैसे कि तुमने अभी कहा। मुझे लगता है प्यार तो बस नसीब का खेल होता है। अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम खुद से प्यार करो और कॉन्फिडेंट बनो, क्योंकि किसी दिन अगर उसके दिल में थोड़ा सा भी अफसोस होगा तो तुम जीत गई। सुजिन भी, सब तुम्हारी तरह नहीं होते। बिल्कुल अलग होते हैं। तुम सुंदर हो, स्मार्ट हो, हार्ड वर्किंग हो, मुझे तुम पर यकीन है, तो तुम्हें खुद पर यकीन क्यों नहीं? क्योंकि अब मेरे पास कोई चांस नहीं है। तो प्लीज इन सब में मुझे तुम्हारे साथ रहने का मौका दो, सब ठीक हो जाएगा। जिंदी, I'm sorry. मैं नहीं चाहती। नहीं, ऐसे बात करना आसान होगा। आप सबका गुस्सा मैं समझ सकती हूँ, मैं उसकी सराहना करती हूँ, पर ये सब कुछ गलत फहमी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें अच्छी एक्टिंग करनी है ताकि सबको पता चले कि हम अच्छे एक्ट्रेस हैं। ये सब हुआ, मुझे लगा नहीं था मुझे इतना दुख होगा। जिटों के लिए बुरा लग रहा है, आखिरकार सब खत्म हो गया। फाइनली। क्या बात है? समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें दयालु समझूं या बेवकूफ समझूं। तुम्हें कितना भी धोखा मिले, लोग कितने बुरे हो सकते हैं, ये तुम कभी नहीं सीखोगी, है ना सुजिन बे? ऐसा नहीं है कि सीख नहीं सकती, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। मेरा मतलब, एक जिंदगी में ये दिल कितने बार धड़केगा? बुरे बातों का हिसाब क्यों रखना? मुझे अच्छी बातें याद रखनी है, बुरी बातें नहीं। अगर वो खुश है, मैं खुश हूँ। तुम तो पैदाइशी सोप ओपेरा की ड्रामा क्वीन हो। हे दीदी, मैं बदल गई हूँ ना, अब तुम्हारी बेबे किसी भी प्रकार का किरदार निभा सकती है। मेरे डार्लिंग ने अवार्ड जीता, क्या बात है! सच में हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, चलकर हॉट पॉट खाते हैं। नहीं 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 बेबे, सुनो, हम घर चलते हैं, मिस्टर वॉन्ग ने कहा है शांति से काम लो। वेरी गुड। जिया वे, ये फंक्शनल स्पोर्ट बेवरेज है, ये स्पोर्ट्स के 10-20 मिनट पहले या फिर 5 मिनट के बाद तुम पी सकते हो। ज्यादा मत पीना वरना तुम्हारी बॉडी झेल नहीं पाएगी। ये लैक्टोज फ्री मिल्क है, ये तुम पी सकते हो, सोने से पहले पी लेना, लेकिन इसे माइक्रोवेव में गर्म करना भूलना मत। ये मॉल्ट फर्मेंटेड बियर है, अगर नींद ना आए तो थोड़ी पी सकते हो, बस थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, समझे? ये सब मेरी फेवरेट है, मैंने पहले क्यों नहीं नोटिस किया? क्या वो तुम ही हो? काम क्या? किसी को ढूंढ रहा हूँ, मुझे उसकी लोकेशन चाहिए, तुम बता सकते हो? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मुझे उसका अकाउंट नंबर दे दो। जब तक वो ऑनलाइन रहेगी, यह उसका इंटरनेट एड्रेस दिखाई देगा और लोकेशन डिसाइड करेगा। ऑनलाइन नहीं होगी तो? ब्रो,
अगर वो ऑनलाइन नहीं है तो मैं हैकर होके भी उसका इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकता। अब तुम यहां से जा सकते हो, मुझे कुछ मिला तो इन्फॉर्म करूंगा। मुझे टाइम पर कॉल करना, तुम्हारे कॉल की राह देखूंगा। सवाल असिस्टेंट को पूछना नहीं चाहिए। पर मुझे जानना है। ब्रो, अगर वो ऑनलाइन नहीं है तो मैं हैकर होके भी उसका इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकता। मैं उसके कॉल का इंतजार नहीं कर सकता, मुझे कुछ करना होगा। तुम ये वीडियो देखोगी या नहीं, पर मैं बताना चाहता हूं कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं। देखो, पिछले कुछ दिनों में तुम मेरी अच्छी दोस्त बन गई हो। तुम हमेशा मेरे लिए यहां थी और मेरी बहुत मदद की। बहुत सी चीजों के लिए मैंने तुम्हें इग्नोर किया। ये सब कुछ ठीक करने के लिए प्लीज तुम मुझे एक चांस दो, मेरे पास वापस आओ। मुझे पर्सनली तुम्हें थैंक्स कहना है, प्लीज आ जाओ। शुआबो पर वीडियो अपडेट किया है, मैंने देखा, काफी टचिंग है। तुम्हें क्या लगता है कौन होगी ये वुको? चुप्पी हो, उसने जियावे को ढूंढने को मजबूर कर दिया। देखो, पिछले कुछ दिनों में हो गया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बेचारा जियावे, तुम हमेशा मेरे लिए यहाँ थी और मेरी बहुत मदद की। बहुत सी चीजों के लिए तुम अपनी तबीयत का ध्यान नहीं रख रहे हो, पतले हो गए। प्लीज तुम मुझे एक चांस दो, मेरे पास वापस आओ। मुझे पर्सनली तुम्हें थैंक्स कहना है, प्लीज आ जाओ। हेलो, मुझे एड्रेस मिल गया, मैं भेजता हूं। हाँ, अरे देखो ये जियावे है ना, वही है। हाँ, वही है। अरे
मुझे एक फोटो चाहिए। टन 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 टन। वाह। तो चलो खाना शुरू करते हैं। चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रोफेसर ज़ाओ शियुन दो न्यूज के लिए। पहली तो अभी अभी काम पर वापस आए इसलिए, और दूसरा यंग मेडिकल एलिट अवार्ड भी जीतने के लिए। तुम लोग मेडिकल फील्ड से नहीं हो इसलिए तुम्हें इसके मायने नहीं पता। इसे रिपोर्ट किया गया रिसर्च फंडिंग मिलेगा और हमारा पूरा देश इसे मेडिकल फील्ड के एलिट के रूप में पहचानेगा क्योंकि इसने अवार्ड जीता है। माय हनी इज बेस्ट। और हाँ, तुम्हें एक और अमेजिंग बात बताता हूँ। हमारे हॉस्पिटल में आज तक किसी ने भी 30 उम्र से पहले अवार्ड नहीं जीता है, लेकिन जाओ ही ये अवार्ड जीतने वाला पहला है। वाओ। इस बात पर चीयर्स। थैंक यू। इतने खुश दिख रहे हो जैसे तुमने खुद ही अवार्ड जीता हो। हम दोनों एक ही तो है, हम में कोई फर्क नहीं है, है ना जाओ? जाओ ने अवार्ड जीता मतलब मैंने जीता, सही कहा ना जाओ? बिल्कुल नहीं। मेरी इज्जत का सवाल है यार। देखो, तुम खुद मेहनत करके अवार्ड जीतो, उसका चोरी मत करो। ठीक है, उसका नहीं चुराऊंगा मैं। बहुत बातें कर ली। चलो अब खाना खाओ। बाय द वे बेबी, इंटरनेशनल ब्लॉकबस्टर लीडिंग एक्ट्रेस के लिए ऑडिशंस ले रहे हैं। ये अच्छा मौका है, पर डायरेक्टर उसके गुस्से वाले स्वभाव के लिए बहुत फेमस है। वो बहुत स्ट्रिक्ट भी है। मुझे नहीं लगता तुम्हें इसमें इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। मुझे करना है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, सच में। देखो, तुम्हें फिर से सोचना चाहिए। प्रोजेक्ट का नाम है भविष्य की नारी शक्ति। उसमें बहुत एक्शन सीन्स रहेंगे। ये प्रोजेक्ट आसान नहीं होने वाला। वो तो मैं सह सकती हूँ। अरे वाह, क्या बात है सुजिन बे, तुम्हारा नाम साइन इन कर दूं? तुम्हें पता है ना, इस डायरेक्टर के सभी प्रोजेक्ट्स अवार्ड जीतते हैं। बहुत से लोग इसके साथ काम करना चाहते हैं। अगर तुम्हें इसके साथ काम करना है तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसकी उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं। तुम मुझे डराओ मत। मैं इस प्रोजेक्ट को पूरी गंभीरता से लेने का ऐलान करती हूँ। मैं हॉट पॉट्स कभी नहीं खाऊंगी। क्या? मान गई मैं तुम्हें। अपनी बात पर कायम रहना। नो अल्कोहल। देखो, हम तो पीते हैं। हाँ। कम ऑन डॉक्टर ज़ाओ। चीयर्स। ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? डिफिकल्ट काम करना चाहती हो? मैं हमेशा मेहनत करती हूँ। ओके, मैं मानती हूँ कि मैं थोड़ी सी आलसी बन गई थी अपने काम में, पर अब वैसा बिल्कुल नहीं है। जिटों की बातों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं जब इस फील्ड में आई थी तब मेरा सपना था कि मैं टॉप की एक्ट्रेस बनूं, पर पता नहीं क्यों खुद पर सख्ती करना छोड़ दिया। अब जब मेरे पास कोई बड़ा अवार्ड नहीं है तो मुझे शर्म आती है। तुम्हें अवार्ड चाहिए? बिल्कुल चाहिए। मेरे जानों ने इतना बड़ा अवार्ड जीता है मेडिसिन में, तो फिर मुझे भी तो बड़ा अवार्ड चाहिए फिल्मों में। इसे कहते हैं परफेक्ट कपल, मेड फॉर ईच अदर। मैं सबको जलस कर दूंगी, देखना तुम। मिस जिटोंग, ये लेटेस्ट शेड्यूल है, कोच ने अभी अभी दिया है। कोच से मेरे क्लासेस की स्टैंडर्ड हायर अरेंज करने के लिए कहना। इतनी हार्ड ट्रेनिंग, मुझे डर है आप झेल नहीं पाएंगी। टेक इट इजी, मैं ठीक हूँ। भविष्य की नारी शक्ति जैसे प्रोजेक्ट में तो बहुत ज्यादा कंपटीशन होगी, और अगर सभी लोगों को उस प्रोजेक्ट पे काम करना हो और हमें जीतना है तो हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, समझी? अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। आप बहुत मेहनती हैं और ये प्रोजेक्ट आपको ही मिलेगा। अब बाय द वे, जब मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा तो देखा जिनबे ने भी अप्लाई किया है। वो मिस जिनबे है, वो हमारी सीनियर है, रिस्पेक्ट से बात करो। मैं
जाकर अपना काम करती हूँ। आ जाओ, नाश्ता लग गया है। वाह, इतना टेस्टी खाना। जानो, I'm so sorry, मैंने तुम्हें बताया नहीं, मैंने सिर्फ हॉटपॉट ही नहीं छोड़े बल्कि खाना छोड़ दिया है। परफेक्ट फिगर के लिए मैं सिर्फ खा सकती हूँ ये क्या है? डाइट फूड है, हाई फाइबर, लो कैलोरीज और इजी टू सैचिएट। मैं इसे 3 बार खा सकती हूँ दिन में। मुझे तो स्मेल्स गुड। थोड़ा सा खा कर देखो ये। बहुत कैलोरीज है, मैं सिर्फ सूंघ सकती हूँ। इतना बुरा है कि? थोड़ा सा बेस्वाद है पर वेट लॉस करने में मदद होगी। स्वीट पोटैटो की स्लाइस। और भी बहुत तरीके हैं लो कैलोरी और हाई फाइबर के लिए, ये खाने की जरूरत नहीं है। एक मिनट रुको। डार्लिंग, तुमने तो पौष्टिक खाना बनाया मेरे लिए, ये तो बहुत बढ़िया दिख रहा है। ये कद्दू का हलवा मीठा लग रहा है, इसमें तो बहुत कैलोरीज होंगी ना? ये मीठा है क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन्स और पेक्टिन है। पेक्टिन में अच्छा एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होता है जो बॉडी डिटॉक्सिफाई करता है और गैस्ट्रिक मुकोसा को प्रोटेक्ट करता है। कैलोरीज भी कम है और कार्बोहाइड्रेट्स भी, वजन कम करने के लिए अच्छा है। जानू, देखो 8 बज गए, तुम्हारे हॉस्पिटल जाने का टाइम हो गया। मैं चलता हूँ। जानू, तुम्हारा पौष्टिक ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। आता हूँ। बाय। और कद्दू, डॉक्टर के माने इसमें लो कैलोरीज है, पर हम एक्टर्स की बात अलग होती है। आई एम सो सॉरी जानू, मुझे अपने आप को बेस्ट साबित करना है। जिता जिन्नी, तुम भी यहाँ आई हो? हाँ। बैठो बैठो। लगता है अब तो हम कंपेटिटर्स बन गई हैं। ये इंटरनेशनल क्रू हमारे क्रू से काफी अलग है, हमारे ऑडिशन से भी बहुत अलग है, वेटिंग एरिया भी अलग है। अगर हमारा सिलेक्शन हो गया तो हमें ट्रेनिंग करने की जरूरत पड़ेगी। सुजिन में अब हम सिर्फ दोस्त नहीं हैं, बल्कि कंपेटिटर्स भी। इंटरव्यू में कोई भी सिलेक्ट हो जाए हम वैसे ही रहेंगे। ऑफ कोर्स वी प्ले फेयर। हाँ, तैयार हो जाओ जिन्वी, मैं तुम्हें किसी भी हाल में जीतने नहीं दूंगी। हाँ, मैं भी नहीं। पता है तुम्हें, वेडिंग रिंग्स दो लोगों के प्यार को नहीं बल्कि शादी के अनंत काल को भी दर्शाती है, इसलिए वेडिंग रिंग लेते समय ध्यान रखना जरूरी है, समझे? ये देखो जाओ, ये खूबसूरत है, ये वाली दीजिएगा। ओके सर। जो साइज दी उसके हिसाब से बनाना। ठीक है सर। तुम्हें अपने पसंद की लेनी है तो मुझे साथ में क्यों लाए हो, ये तो गलत बात है ना। क्रेडिट कार्ड। ठीक है सर।
तेरी कोई कदर नहीं है। इतनी पसंद आई है तो तुम खरीद लो, खुद ही पहन लेना। इतनी भी जल्दी नहीं है मुझे। सर ये रही आपकी रिंग, क्रेडिट कार्ड। ओके, चलें। हाँ। नेक्स्ट टाइम जरूर आइएगा। सच कह रही हो? मैं सिलेक्ट हो गई। पर मुझे 2 महीने की ट्रेनिंग लेनी होगी। तुम बड़ा चढ़ा के तो नहीं बोल रही ना? इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बहुत ही स्ट्रिक्ट है, तुम्हें तो पता ही है। ट्रेनिंग लेने का मतलब ये नहीं कि तुम लीडिंग एक्ट्रेस बन गई। किसी को पता नहीं है लीडिंग एक्ट्रेस कौन होने वाली है। इसलिए मैं सिर्फ याद दिला रही हूँ कि अगर तुम ये नहीं कर सकती हो तो अभी छोड़ दो। आधे में नहीं छोड़ सकती तुम, समझ गई? बकवास, मैं नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, तो अपना सामान पैक करो और जाने की तैयारी करो। जानती हूँ, बाय बाय। बाय। 2 महीने कुछ ज्यादा नहीं लग रहे हैं? हेलो डार्लिंग, इसी वक्त घर पर आ जाओ प्लीज। क्यों, क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो तुम्हें ये जरूरी बात करनी थी? हाँ, ये ट्रेनिंग शूटिंग ज्वाइन करने से अलग होगी, ये काफी हार्ड होगी। और तुम्हें पता है इसका मतलब है हम दोनों डेट पे नहीं जा पाएंगे 2 महीने के लिए। 60 दिन और रात, 60 दिन और रात। अगर तुम मिनट और सेकंड में काउंट करोगे तो होंगे 3 × 6 मतलब 86,400 मिनट, 51,84,000 सेकंड्स। अगर मैं तुम्हें 1 सेकंड में एक बार याद करता हूँ तो हमारे पास 40 करोड़ से ज्यादा ब्लैंक्स होंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डार्लिंग, अच्छा होता ना कि हमारी जिंदगी एक नाटक की तरह होती। बिल्कुल किसी ओपेरा की तरह। फर्क नहीं पड़ता वो कौन है, वो साथ में काम करते हैं या नहीं। लड़की जहाँ काम करती है लड़का वहाँ पहुँच जाएगा। अगर मैं स्क्रीन राइटर होती तो हर रोज दोनों को साथ रखती, कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होने देती। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने क्लोज ट्रेनिंग सेक्टर में प्रवेश किया है। ये एक सिस्टमेटिक ट्रेनिंग होगी जहां प्रोफेशनल कोच आपके ऑल राउंड स्किल्स पर हर रोज काम करेंगे। यहां काफी सारी ट्रेनिंग होने वाली है और ये आपके भविष्य से जुड़ी होगी। यहां आपको ध्यान और मन लगा के आपकी ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट। चलो सब तैयार है ना? फॉलो मी। चलो ठीक है सर। कमान स्क्वाट करो, तुम कर सकते हो। जल्दी। हाँ, हाथ हिलाओ जल्दी। गुड गोइंग। आपका हर एक गेस्चर स्टैंडर्ड होना चाहिए। आखिरी 30 सेकंड्स, अपनी स्पीड कंट्रोल करो। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट राउंड ख्याल रखना अपना। और एक राउंड, कीप गोइंग, स्पीड कम मत करना। कमान। एक दिन में 5 बार शूट होगा, मतलब करीब 17-18 घंटे काम। बहुत ही मुश्किल होने वाला ये। मोदी, पता नहीं बेबे तुम्हें एक बात बतानी है। कैसे कर पाएगी ये सब? हॉस्पिटल के एक कॉलीग ने मुझे उसका बेस्टमैन बनने के लिए पूछा है। महीने में कितना होगा? मेरे ख्याल से मार्च में ये ऐसा कहते हैं कि हो जाएगा। अगर आप 3 बार बेस्टमैन बनते हैं तो आपकी शादी नहीं होगी। देखते हैं क्या होगा। हाँ, ठीक है। अच्छा तो मैं यहाँ से चला तो जाऊँ क्या? इस मामले में मुझे हाँ जाओ ठीक है। वो मैं सोचती हूँ उसके बारे में। ठीक है। ऐसी ट्रेनिंग से तो जान ही चली जाएगी। ये तो हमसे काफी मेहनत करवा रहे हैं। सुना है उन्होंने एक डॉक्टर को हायर किया है ताकि हमें चोट ना लगे। बहुत दर्द हो रहा है। उठो जरा, मेरी पीठ दबा दो प्लीज, दर्द हो रहा है। मेरी तो जान ही जा रही है। वो देखो कोई डॉक्टर है या एक्टर, कितना हैंडसम है। जिनबी, मैं बहुत थक गई हूँ। जिनबी उठो,
इतना हैंडसम है तो तुम्हें रख लो ना उसे, मेरा तो सिर फटा जा रहा है। डार्लिंग, तुमने जिसको भी देखा वो मैं नहीं थी। मुझे तो लगता है कि तुम ही थी। पर तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम आ रहे हो? मुझे जस्ट अभी मैसेज आया, तुम्हारे डायरेक्टर ने हमारे हॉस्पिटल को कांटेक्ट किया और हमारे डीन ने यहाँ मुझे अपॉइंट कर दिया। ये तो बहुत अच्छा हुआ, पर ये समय ठीक नहीं था। तुमने मुझे पागल हरकतें करते हुए देखा, तुम मुझसे प्यार करना तो नहीं छोड़ोगे ना? हाँ, मैंने तुम्हें पागल हरकतें करते जरूर देखा, पर फिर भी तुमसे प्यार है। हाँ, और अगर अच्छी खबर सुननी हो तो। हाँ, क्या है बताओ ना। ये मेरे घर के बहुत पास है, तुम इस दौरान मेरे यहाँ रह सकती हो और फिर तुम्हें मुझे मिस करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। क्या तुम विशिंग पॉन्ड हो? मेरे दिल की बात कैसे जान लेते हो? क्योंकि किसी ने तो कहा था कि मैं उसके दिल में रहता हूँ। दोनों भी। अब तुम जाओ ट्रेनिंग में, मैं निकलता हूँ। बाय। मैंने जैसे बोला वैसे करो, ओके? मैं बाद में बात करता हूँ। शियोन, हे ईथन, बहुत दिनों बाद मिले। बहुत दिनों बाद। सोचा नहीं था कि तुम एक डॉक्टर बनोगे। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी अलग फील्ड में आ जाऊंगा। वैसे तुम भी काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। फिर कभी मिलते हैं। ऑफ कोर्स। मैं कभी भी इतनी ज्यादा नहीं थकी हूं, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। मेरी सभी फिजिकल फिटनेस इंडेक्स टॉप पर है। तुम्हें लगता है तुम्हारी छोटी परी ने तरक्की की है? तुमने बहुत तरक्की की है, आज तो तुमने मुझे इम्प्रेस्ड कर दिया। मुझे तो लगा था कि ये एक दिन की एक्साइटमेंट है, पर तुमने तो इसे दिल पर ही ले लिया। चिंता मत करो, सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभालूंगी। नहीं, मैंने जिटोंग से प्रॉमिस किया है, हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, हम खुद ही अपना रिजल्ट लाएंगे, बहुत मेहनत करेंगे। सुजिनबे, तुमने उसे प्रॉमिस किया? तुमने उसे कहा कि तुम उसकी मदद करोगी? मैं बताती हूँ, मैंने सुना है कि गाओ जिटोंग कुछ तो चाल जरूर चल रही है। बकवास बंद करो, तुम कुछ भी बोल रही हो। तुम बहुत भोली हो। दवाई तैयार है? डॉक्टर जाओ आ गए हैं, तो मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। बाय बाय। मैंने जो कहा वो याद रखना। बाय बाय। बाय बाय। इस जख्म को ठीक कर दो ना प्लीज। ऐसे क्यों देख रहे हो? प्रैक्टिस का टाइम लग गई, ये मेरा काम है, हंस दो ना प्लीज। उनसे छुट्टी मांगो अपने लिए। ये छोटी सी तो चोट है, इतना कुछ भी नहीं हुआ है, तुम दवाई लगा दोगे तो ठीक हो जाएगी, देखना। तुम्हारा ये घाव भरने के लिए कुछ दिन लगेंगे। ऐसा नहीं चलेगा, मेरी ट्रेनिंग एक एलिमिनेशन सिस्टम की तरह काम करेगी। कुछ दिन छुट्टी लेने से बेहतर है मैं उसे छोड़ ही दूं। ठीक है तो छोड़ दो। हाँ? हो गया। ओके, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी चिंता है, मगर डरने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी, मैं इसे छोड़ नहीं सकती हूँ। हाँ? पर तुम्हारी कॉम्पिटिटर तुम पर चाले चल रही है, तुम्हें लगता है तुम जीत पाओगी? ये क्या कह रहे हो? वूदी की बात मत सुनो तुम, मैं जिटोंग के साथ रहती हूँ, मैं जानती हूँ उसे, मेरा यकीन करो, वो कोई भी चाल नहीं चल रही है, बिल्कुल भी नहीं। अब ठीक है ना, मैं इस बार अपनी ट्रॉफी लेकर आऊंगी, वो भी मेरी मेहनत से, मुझ पर नाच करने का इंतजार करो।
बहुत अच्छा है ना? बहुत ही अच्छा है। ए जिटोंग, चलो आओ ना, आओ आओ जल्दी आओ। ये है हमारे कास्टिंग डायरेक्टर एलेक्स के लिए। बैठो। अरे क्या कर रही हो तुम? ड्रिंक तो एंजॉय करो। भविष्य की नारी शक्ति की इम्पोर्टेंस जानती हो ना तुम? भविष्य में तुम्हें एलेक्स की बहुत जरूरत पड़ेगी। चीयर्स। जीटोंग हमारी कंपनी की बेस्ट एक्ट्रेस है। इसकी एक्टिंग और पर्सनालिटी दोनों अच्छी है, और आप देख लेना, यही आपके मूवी के लिए अच्छी रहेगी। वैसे ट्रेनिंग अभी खत्म नहीं हुई है, तो मैं अभी आपसे कुछ कह नहीं सकता। अब तक मिस गाओ सब कुछ ठीक करती आई है, और वो सू जिनबे भी, वो भी काफी अच्छी कर रही है। वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मर है, और मैंने देखा भी है कि ऑडियंस उन्हें पसंद भी करती है। आप भी ट्रेनिंग में बहुत मेहनत करना मिस गाओ। मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा मौका रहेगा। ऑल द बेस्ट। ये बहुत ही अच्छी बात है। कम ऑन, चीयर्स। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, चीयर्स। स्पीड बढ़ाओ, गेस्चर पर ध्यान दो, स्क्वाट जल्दी करो, पोस्चर ठीक करो, स्पीड बढ़ाओ, जल्दी जल्दी, ठीक से सांस ले रहा, पांच हार्ट, एक दो तीन, वन टू, कीप गोइंग कीप गोइंग, स्पीड को मेंटेन करो, गुड गुड गुड, लेफ्ट राइट, ऐसे ही, लेफ्ट राइट पंच, गुड, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, तुम कर सकती हो, कर सकती हो, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, गुड, फिर से पंच मारो, स्पीड को मेंटेन करो, तुम कर सकती हो, ओ, नाइस, टेन, नाइन, एट, कीप गोइंग, गुड गुड। हेलो, वो अच्छा कर रहे हैं, लड़कियां मेहनती है, बहुत मेहनत, ठीक है, आता हूँ मैं, ठीक है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सब लोग बैठ जाओ। आज आप सबकी पूरी ट्रेनिंग खत्म हो गई है, नो मोर ट्रेनिंग। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आपके अभी के परफॉर्मेंस के लिए अपने सोच विचार बताएंगे, इसलिए कल इसी समय आप सबको प्रेजेंट रहना है, समझ गए? लेट मत आना, मैं कल फाइनल सिलेक्ट लिस्ट अनाउंस करूंगा। ऑल द बेस्ट। अब आप जाकर आराम कर सकती है। शुक्रिया। ट्रेनिंग तो बहुत ही अच्छी चल रही है। ये सारे कैंडिडेट्स कमाल के हैं। देख रहा हूं मैं। मेरा हाथ। ये लो। थैंक यू जिनबी, तुमने बहुत मेहनत की है। और कर भी कह सकती हूँ, तुम्हारा मुकाबला जो करना है। तुम मुझसे काफी बेहतर हो, तुमने देखा नहीं, कोच ने तुम्हें ऐसे किया। ऐसा? उन्होंने तो सबको ही ऐसा किया। चलो चलो। उदी पर उसके एक्स बॉयफ्रेंड के पछतावे का काफी गहरा असर पड़ा है। वो उससे अभी तक रिकवर नहीं हुई है। मैं चाहता हूँ कि वो उससे बाहर निकले और मुझसे शादी कर ले। तुम्हें लगता है मुझे कुछ करना चाहिए? तुम्हें लगता है मुझे कुछ करना चाहिए? जाओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ और तुम हो कि मुझे रिपीट कर रहे हो। मुझे जवाब चाहिए। मेरे पास जवाब नहीं, मैं जवाब कैसे दे सकता हूँ? जाने दो, हम खेलते हैं। आज तुम थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहे हो। हेलो ईथन, क्या तुम फ्री हो? हम डिनर पर मिल सकते हैं? जाओ, अगर मैं मेडिकल फील्ड छोड़कर एक्टर नहीं बनता
तो चोंगुंग हॉस्पिटल का सबसे बेहतरीन डॉक्टर मैं ही बनता। फिर तो तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए कि तुमने ये रेपुटेशन छोड़ दी। इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम मेरी छोड़ो, अपनी बताओ कैसे चल रहा है सब। क्या हुआ, चुप क्यों हो? ये मत बोलना कि तुम मुझे मिस कर रहे हो इसलिए तुमने मुझे डिनर पर बुलाया है। क्या ये सच है? मैं एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मुझे अटेंड करना ही होगा। हेलो, हाँ एलेक्स बोलो। हम किसी पर निर्भर नहीं है, इस बार मैं अपनी ट्रॉफी लेकर आऊंगी, वो भी अपनी मेहनत से। मुझ पर नाच करने का इंतजार करो। तो जाओ, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अरे कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें मिस कर रहा था। सच में? हाँ बिल्कुल। ठीक है, मेरी सेट पर जरूरत है तो मुझे निकलना होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कभी। बिल्कुल, बाय।